होटल राजमहल एपिसोड 99 कालघोरी की तामसिक शक्तियां। कालघोरी का खून करने के बाद भी उसकी आत्मा ने मल्लिका का पीछा नहीं छोड़ा। वो अंधेरी रात में एक साया बनकर उसके कमरे में आ गया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। मल्लिका डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी और खुद को उस कालघोरी की पकड़ से छुड़ाने की भरसक कोशिश करने लगी। मल्लिका बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़वाकर जैसे ही कमरे से बाहर भागने लगी, उसे फिर से अपने सामने हैवान कालघोरी नजर आया। मल्लिका जिस ओर भी बढ़ने लगी, उसी तरफ उसे कालघोरी की आत्मा नोचने के लिए दिखाई देने लगी। मल्लिका पूरी तरह से कैद हो चुकी है और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो इस हालत से किस तरह बाहर निकले और अपनी आबरू किस तरह से बचाए। मल्लिका के लिए सब कुछ बेहद डरा देने वाला है। उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि सिर्फ जीते जी ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी उस कालघोरी की आत्मा इस तरह से उसे परेशान करेगी। मल्लिका जैसे तैसे करके काफी मुश्किल से उस कालघोरी के चुंगल से अपने आप को छुड़ाकर अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तभी अचानक से उसने देखा कि उसके सामने राजवीर खड़ा है जो उस वक्त बहुत परेशान लग रहा है। मल्लिका तुरंत रोते हुए राजवीर के गले से लग गई। डर और घबराहट की वजह से मल्लिका का पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा है और वो पूरी तरह से पसीने में लथपथ हो चुकी है। क्या हुआ मल्लिका, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैं कब से तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा हूँ मगर तुम खोल ही नहीं रही हो, आखिर ये सब हो क्या रहा है? राजवीर ने मल्लिका को संभालते हुए पूछा। राजवीर वो काल। इस वक्त रो रो कर मल्लिका का बुरा हाल हो चुका है और वो बिल्कुल भी बात करने की हालत में नहीं है। आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ, राजवीर ने कहा। और तभी अचानक से उसने देखा कि मल्लिका के घर के अंदर से कोई धम धम की आवाज करता हुआ बाहर की तरफ आ रहा है। मल्लिका का पूरा घर ऐसे हिल रहा है जैसे वहां पर भूकंप आ रहा हो। राजवीर हैरानी से देखने लगा और तभी उसके सामने एक हैवान जैसा दिखने वाला वो काल घोरी आ गया। उसे देखकर राजवीर की हालत खराब हो गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। ये तो राजवीर ने एक पल को हैरानी से मल्लिका की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि जिस कालघोरी का उसने खून कर दिया था वो इस वक्त उसके सामने कैसे मौजूद है। तो आ गया तू भी, अब तू भी देख मैं कैसे तेरे ही सामने तेरी इस माशूका के साथ सुहाग रात मनाता हूँ। ये कहकर वो तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा और मल्लिका और राजवीर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मल्लिका चलो यहाँ से, फौरन कार में बैठो। इतना कहकर राजवीर ने कसकर मल्लिका का हाथ पकड़ा और वो दोनों तुरंत जाकर कार में बैठ गए। राजवीर ने अपनी गाड़ी की चाबी लगाई और उसे स्टार्ट करने लगा मगर उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मल्लिका और राजवीर दोनों घबराते हुए बार बार पीछे मुड़कर उस अघोरी तांत्रिक को देखने लगे जो अभी भी हैवानी हंसी हंसते हुए धम धम की आवाज के साथ उनकी तरफ ही तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। राजवीर जल्दी करो नहीं तो वो आ जाएगा, मल्लिका ने चिल्लाते हुए राजवीर से कहा। इस वक्त उन दोनों की घबराहट अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी है। मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना यार। तभी अचानक से राजवीर की गाड़ी स्टार्ट हो गई और उन दोनों के चेहरे पर एक सुकून की लहर दौड़ गई मगर स्टार्ट होने के बाद भी वो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पा रही होती है। राजवीर स्पीड बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है मगर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही है। उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उस काल घोरी ने अपने एक हाथ से उनकी गाड़ी के पिछले हिस्से को पकड़ा हुआ है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है और वो उन दोनों की तरफ ही देख रहा है। हा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 ह
कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाओगे? देखते ही देखते उसने अपने एक हाथ से उनकी गाड़ी के पिछले हिस्से को ऊपर हवा में उठा दिया। ये देखकर राजवीर और मल्लिका दोनों बुरी तरह से चिल्लाने लगे और उन्हें इस तरह घबराया हुआ देखकर वो काल घोरी और भी तेज आवाज में हंसने लगा। राजवीर कुछ करो! मल्लिका ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा। राजवीर ने जवाब दिया, कर तो रहा हूँ लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उस काल घोरी ने पूरी कार को अपने कब्जे में कर लिया है। तभी अचानक से काल घोरी ने एक झटके से उनकी कार को छोड़ दिया और राजवीर और मल्लिका की चीख निकल गई। अचानक से कार के ऊपर से गिरने की वजह से उन्हें काफी चोट लग गई, मगर फिर भी मल्लिका ने राजवीर की तरफ देखा और कहा, अब चलो यहाँ से जल्दी। राजवीर ने भी बिना देर किए तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वो दोनों काफी तेज रफ्तार में वहां से निकल गए। वो दोनों अंधेरी रात में यहाँ से वहां भटक रहे। सड़क के दोनों तरफ जंगल ही जंगल है और उन्हें दूर दूर तक भी कुछ नजर नहीं आ रहा। जब बहुत देर तक भी उन्हें वो काल घोरी कहीं नहीं दिखा तो राजवीर ने मल्लिका से कहा, अब लगता है अब उस राक्षस ने हमारा पीछा छोड़ दिया है। इतना कहते हुए राजवीर ने एक झटके से अपनी गाड़ी रोक दी। इसके बाद राजवीर ने स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर टिका दिया और मल्लिका भी अपनी सीट पर पीछे होकर अपनी आंखें बंद करके लेट गई। उस जंगल में बेहद शांति है और दूर दूर तक कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही, मगर उनका यह सुकून ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। अचानक से उनकी कार का हॉर्न जोर जोर से आवाज करने लगा और मल्लिका और राजवीर एक झटके से उठे और राजवीर ने तुरंत कार का हॉर्न बंद कर दिया। राजवीर, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। वो तांत्रिक हमसे ज्यादा दूर नहीं होगा। वो हमारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मल्लिका ने कुछ सोचते हुए राजवीर से कहा। तभी उसकी नजर सामने पड़ी और उसके होश उड़ गए। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि वही काल घोरी तांत्रिक खड़ा है जिससे बचकर वो और राजवीर भाग रहे हैं। वो तुरंत पसीने से लथपथ हो गई और उसने राजवीर का हाथ पकड़ा और उसे झंझोड़ने लगी। क्या हुआ? जैसे ही राजवीर ने अपने सामने उस हैवान को खड़े देखा तो उसकी भी हालत काफी खराब हो गई। हर जगह मैं ही हूँ, हर जगह काल घोरी है, काल घोरी। उस काल घोरी की हैवानी हंसी उस घने जंगल में गूंज उठी। Oh shit! राजवीर ने तुरंत अपनी गाड़ी रिवर्स गियर में डालकर पीछे लेनी शुरू कर दी, मगर कुछ ही देर में उस तरफ भी वो काल घोरी आ गया और उसने अपने एक हाथ से राजवीर की गाड़ी को रोक लिया। राजवीर! मल्लिका ने घबराकर राजवीर का हाथ पकड़ लिया। उन दोनों को इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन उन्हें इस हालात से बचाएगा। तभी अचानक से उस काल घोरी ने गाड़ी को अपने दोनों हाथों से उठाया और दूसरी तरफ पटक किया। इस वजह से राजवीर की कार अपना बैलेंस खो बैठी और धड़ाम से पलट गई। गाड़ी के पलटने की वजह से मल्लिका और राजवीर को काफी चोटें लगी और वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्हें इस तरह से तकलीफ में देखकर उस काल घोरी को काफी खुशी हो रही है और वो तेज आवाज में हंसता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर और मल्लिका उस पलटी हुई गाड़ी से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। राजवीर ने अपनी ओर के दरवाजे को पैर से जैसे तैसे धक्का मारकर तोड़ दिया। वो जैसे ही कार से बाहर निकला उसे पेट्रोल की स्मेल आने लगी। राजवीर! मल्लिका को काफी चोट लगी है और उसकी नाक से खून बह रहा है। वो अपने आप को बाहर निकालने की बेहद कोशिश कर रही है मगर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही है। मल्लिका, अपने दोनों हाथों को ऊपर रखो, ऊपर, बाहर निकलने की कोशिश करो। राजवीर मल्लिका को उस कार से बाहर निकालने की पूरी जद्दोजहद में लगा हुआ है। मुझसे नहीं हो रहा है राजवीर, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मल्लिका, जो होटल राजमहल की मालकिन है और जिसके आगे सब लोग अपना सर झुकाए खड़े रहते हैं,
उसके साथ पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ हो गया है। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक तामसिक अघोरी की आत्मा उसके पीछे इस तरह से पड़ जाएगी। वो इस वक्त अपने आप को बहुत बेबस और मजबूर महसूस कर रही है। कोशिश करो मल्लिका, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने पैरों को सीधा करके बाहर निकालने की कोशिश करो। राजवीर मल्लिका को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तभी अचानक से पेट्रोल की आती हुई वो स्मेल और भी ज्यादा तेज हो गई। राजवीर के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए और उसने घबराते हुए मल्लिका से कहा, कार की पेट्रोल की टैंकी से पेट्रोल निकलने लगा है। अगर तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से नहीं निकली तो इसमें आग लग जाएगी। कोशिश करो और बाहर निकलो मल्लिका। राजवीर की बात सुनकर मल्लिका भी काफी ज्यादा डर गई, मगर इस बार उसने अपनी पूरी कोशिश करके अपने आप को उस पलटी हुई कार से बाहर निकाल ही लिया। जैसे ही वो कार से बाहर निकली, राजवीर ने उसका हाथ पकड़ा और वो दोनों भागते हुए हाईवे की तरफ जाने लगे। उनके बाहर निकलते ही राजवीर की कार में एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी कार धू धू करके चलने लगी। राजवीर और मल्लिका की हालत इस वक्त बेहद खराब है। इस भाग दौड़ में उनके कपड़े फट गए हैं। वो दोनों पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो चुके हैं। उनके हाथों और पैरों पर काफी जख्म हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा थके हुए हैं। तभी अचानक से वहां पर तेज हवाएं चलने लगी और आंधी तूफान शुरू हो गया। अचानक से तेज बादल गरजने लगे और पत्तों की सरसराहट की आवाज आने लगी। ये सब अचानक से क्या हो रहा है? मल्लिका ने राजवीर का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। तेज तेज चलती वे हवाएं देखते ही देखते अचानक से भयंकर तूफान में तब्दील हो गया। मल्लिका और राजवीर के कदम लड़खड़ा रहे हैं और वो दोनों ठीक से खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं। तो तुम मेरा हाथ मत छोड़ना मल्लिका, राजवीर ने चिल्लाते हुए कहा और मल्लिका ने भी कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक से उस आंधी से एक बवंडर बनने लगा। देखते ही देखते वो बवंडर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में उस बवंडर के तूफान में मल्लिका और राजवीर एक दूसरे से अलग हो गए। जब मल्लिका को होश आया तो उसने देखा कि वो एक पेड़ के सहारे गिरी हुई है। उसके पूरे बदन में तेज दर्द हो रहा है और उसे राजवीर कहीं नजर नहीं आ रहा। वो उठने की कोशिश करती है मगर उसके पैर में काफी चोट लग गई है और वो ठीक से उठ नहीं पा रही है। राजवीर, राजवीर! वो जोर जोर से चिल्लाते हुए राजवीर को ढूंढने लगती है मगर राजवीर उसे कहीं नहीं मिल रहा। राजवीर! तभी अचानक से उसके पैर के आसपास पड़ी हुई फूल पत्तियां अपने आप हिलने लगती हैं और उसके हाथों और पैरों को जकड़ लेती है। अचानक से पेड़ की टहनियां उसके गले को कस लेती है और मल्लिका का दम घुटने लगता है। सांस ना ले पाने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है और उसकी आंखों से पानी निकलने लगता है। वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही है और ना ही अपने हाथों और पैरों को हिला पा रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब आखिर कैसे हो रहा है। और तभी अचानक से उसे पेड़ के अंदर से उस राक्षस के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। तुम्हें लगा कि तुम बच गई हो मगर तुम हर वक्त मेरे शिकंजे में होगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं किन किन चीजों का रूप ले सकता हूँ। तुम्हारे इस बदन को पाने के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एक पल को मल्लिका को ये लगा जैसे उसकी सांसें ही थम जाएंगी और यहीं पर उसकी मौत हो जाएगी। धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद होने लगी और तभी अचानक से वहां पर राजवीर आ गया। मल्लिका, मल्लिका! वहां पर आते ही राजवीर ने तुरंत मल्लिका के गले से उस पेड़ की टहनियों को अलग करने की कोशिश शुरू कर दी, मगर वो मल्लिका को बचा नहीं पा रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगर वो अघोरी मल्लिका को पाना चाहता है तो फिर वो उसकी जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है?
ए, तुम चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अरे इसी लुका छुपी के खेल में तो मजा है। तभी उस पेड़ के अंदर से एक भयंकर आवाज आई। राजवीर उस आवाज को सुनकर सहर उठा। वो जानता है कि ये सब कुछ उस काल घोरी का ही किया हुआ है, मगर इस वक्त वो पीछे नहीं हट सकता। अगर उसने हार मान ली तो मल्लिका की जान भी जा सकती है, या फिर ये अघोरी अपने गंदे इरादों में कामयाब हो सकता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लकड़ी की टहनी के फंदे को मल्लिका के गले से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर के बाद एक झटके से वो पेड़ और झाड़ियां मल्लिका के शरीर से अलग हो गई। मल्लिका अपने घुटनों पर बैठकर जोर जोर से खांसने लगी। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर में जान ही ना बची हो। उसे बिल्कुल सांस नहीं आ रही और वो बहुत गहरी सांसें ले रही है। मल्लिका, मल्लिका, तुम ठीक तो हो? चलो चलो, हमें तुरंत यहां से चलना होगा। राजवीर मल्लिका को सहारा देते हुए तुरंत वहां से भागने लगा। मल्लिका अब भी खुद को काफी कमजोर महसूस कर रही है और वो ठीक से चल नहीं पा रही। तभी राजवीर को हाईवे पर एक मंदिर नजर आता है और अचानक पीछे से वो काल घोरी उनकी तरफ तेज रफ्तार से बढ़ने लगता है। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या मल्लिका और राजवीर को इस मंदिर में पहुंचकर काल घोरी की आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा? क्या काल घोरी मल्लिका और राजवीर को इतनी आसानी से उस मंदिर में जाने देगा? क्या ये दोनों कभी इस तांत्रिक की आत्मा से मुक्ति पाएंगे, या उसके अतृप्त मगर असामान्य शरीर में कैद होकर रह जाएंगे? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल।